जब से इसराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से ईरान समर्थित गुट, चाहे वो यमन का हुती हो, लेबनान का हिजबुल्ला हो या फिर इराक और सीरिया के इस्लामिक प्रतिरोधी संगठन हो, सभी इसराइल पर मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहे हैं। और जब से इसराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला कर IRGC के 7 बड़े अधिकारियों को मारा है, तब से इराक के प्रतिरोधी गुटों ने इसराइल के सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ईलत शहर और उसके आसपास के इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल हमले और भी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं इसराइल भी ईरान की धमकी के बाद से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को चाक चौबंद करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में इसराइल ने पहली बार सी डोम डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर अपने दुश्मनों के जहन में खौफ पैदा करने की कोशिश की है। इसराइल की ओर से मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया गया कि पहली बार दक्षिणी शहर ईलट के पास सी डोम तैनात किया गया है। माना जा रहा है कि इसराइल ने ईलट के पास बढ़ते हवाई हमलों को देखते हुए सी डोम डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। इसराइल ने अपने एयर स्पेस में प्रवेश करने वाले संदिग्ध हमलों को रोकने के लिए ये सिस्टम मोर्चे पर तैनात किया है। सी डोम आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम का एक नौसैनिक वर्जन है, जिसका इस्तेमाल समुद्र में रॉकेट और मिसाइल हमलों का पता कर हवा में ही मार गिराने के लिए किया जाता है। यह आयरन डोम की तरह ही इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करता है। बताते हैं कि लैंड बेस आयरन डोम का उपयोग गाजा से दागे गए रॉकेट्स को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिसके एक बार लॉन्च होने में करीब $50,000 यानी कि करीब 41,61,000 रुपए का खर्च आता है। दावा किया जाता है कि यह सिस्टम अपनी तैनाती के बाद से ही काम में जुट गया है। IDF की माने तो दुश्मन खेमे का एक ड्रोन ईलट इलाके में घुसाया था, जिसके बाद सी डोम सिस्टम का सायरन बजने लगा। IDF नौसेना बलों ने इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इस खतरे को समय रहते रोक दिया। इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि सी डोम ने ईलट इलाके में एक अलर्ट की सूचना दी थी। ये सी डोम का पहला ऑपरेशनल इस्तेमाल बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना से किसी को भी नुकसान या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं आई है। इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम की माने तो ये एक अत्यधिक उन्नत वॉरहेड है, जो टारगेट की एक लंबी सीरीज के खिलाफ उच्च मारक संभावना को सुनिश्चित करने का मादा रखता है। सी डोम कई मायनों में बेहद खास है। इससे रॉकेट्स, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी मार गिराया जा सकता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला टैमर इंटरसेप्टर, दूसरा मॉड्यूलर वर्टिकल लॉन्च यूनिट और तीसरा एक कमांड एंड कंट्रोल। ये सिस्टम सार 6 कैटेगरी के कॉर्वेट जर्मन मेड वॉरशिप पर लगाया गया है। बताया जाता है कि सी डोम में इंटरसेप्टर बिजली की रफ्तार से काम करता है। इसमें उच्च दर से मोड़ने की क्षमता है, जो कि सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास वाले टारगेट को भी भेदने में सक्षम है। इसका शक्तिशाली वॉरहेड टारगेट का खात्मा करके ही दम लेता है। दावा किया जाता है कि लैंड बेस्ड और सी बेस्ड दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम अपनी रेंज में आने वाले 90% से ज्यादा मिसाइल या रॉकेट्स को मार गिराने की ताकत रखते हैं। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि सी डोम सिस्टम ईरान समर्थित प्रॉक्सी वॉर को किस हद तक झेलता है और इसराइल की कितनी समुद्री सुरक्षा कर सकता है।